दोस्तों आज की मूवी बहुत ही अलग होने वाली है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक सौतेले भाई को अपनी सौतेली बहन से प्यार हो जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में वो होता है जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। इस मूवी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसकी माँ ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। नोआ को अपनी माँ के साथ दूसरे घर में रहने के लिए जाना था तो नोआ अपना सामान पैक कर रही थी। तो नोआ अपनी माँ के साथ गाड़ी में जाने लगती है तो नोआ की माँ नोआ से बात करने की कोशिश करती है पर नोआ अपनी माँ पर गुस्सा थी क्योंकि नोआ की माँ ने एक तो दूसरी शादी कर ली थी और इसके साथ ही नोआ के बॉयफ्रेंड से भी नोआ को दूर कर दिया था। तो इसी बात को लेकर वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगती है। खैर वो दोनों अब अपने नए घर पहुंच जाती है जहां नोआ का स्टेप फादर विल उनका वेलकम करता है और नोआ को अपना घर दिखाता है जो कि बेहद ही शानदार था और नोआ को भी घर काफी पसंद आता है। और इसके बाद नोआ अपनी रूम की और नए ड्रेस की पिक्चर क्लिक करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को सेंड करती है और उससे बातें करने लगती है कि तभी वह अपने स्टेप ब्रदर निक से मिलती है और उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और निक भी नोआ को परेशान करता है। और इसके बाद वो सभी मिलकर एक फैमिली डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर निक अपना डिनर करके एक अर्जेंट काम का बोलकर वहां से जाने लगता है। तभी नोआ की माँ निक से कहती है कि वे नोआ को भी घर छोड़ दे और अब ये दोनों सौतेले बहन भाई निक और नोआ कार से जाने लगते हैं। तो नोआ निक से कहती है कि उसे कार चलाना नहीं आता तो इस बात पर निक को गुस्सा आ जाता है और तभी नोआ निक की माँ के बारे में भी गलत बोल देती है। तो अब निक नोआ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्टेप सिस्टर नोआ को एक सुनसान रास्ते पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों नोआ उस रास्ते पर अकेली थी लेकिन तभी वहां पर एक कार आ जाती है और नोआ उस कार से लिफ्ट लेती है। तो हमें पता चलता है कि एक कार चलाने वाला लड़का माइक निक का ही फ्रेंड है। तो नोआ उसे बताती है कि उसका स्टेप ब्रदर निक उसे इस रास्ते पर छोड़ गया है। अब माइक एक पार्टी में जा रहा था तो वह नोआ को भी अपने साथ उस पार्टी में ले जाता है। और दोस्तों इस पार्टी में जाते ही नोआ ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। नोआ देखती है कि उसका स्टेप ब्रदर निक भी इसी पार्टी में आया है जो पार्टी में अलग अलग लड़कियों के साथ किस कर रहा है और उनके साथ मजे ले रहा है। तभी निक भी नोआ को वहां देख लेता है और उसके पास जाता है तो नोआ निक को हिट करती है क्योंकि निक ने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। तो निक नोआ को वहां से जाने को कहता है और फिर से लड़कियों के साथ मस्ती करने लग जाता है। तभी दोस्तों पार्टी में एक लड़का नोआ के पास आता है और उसे एक ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। तो नोआ वो ड्रिंक पीने लगती है और ड्रिंक पीते हुए निक नोआ को देख लेता है और उस लड़के को मारने लगता है। और अब नोआ निक को रोकने की कोशिश करती है तो निक कहता है कि ये लड़का लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उनके साथ गलत काम करता है। और दोस्तों तभी नोआ को भी उस ड्रिंक का नशा होने लगा था तो निक नोआ को घर ले आता है और नोआ को उसके रूम में सुला देता है। नोआ जब सुबह उठती है तो उसे लगता है कि रात को उसके और निक के बीच में कुछ गलत हुआ था तो ये बात वो निक से पूछती है तो निक नोआ को परेशान करने लगता है। इसके बाद का सीन बदलता है और हम नोआ को बीच पर देखते हैं जहां उसके साथ निक की फ्रेंड जेनी भी थी और तभी वहां पर अपने दोस्तों के साथ निक भी आ जाता है। तो दोस्तों अब नोआ अपने सौतेले भाई निक को कपड़े चेंज करते हुए तिरछी नजर से देखने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि रात को निक कार रेसिंग करने के लिए जाता है जहां रोनी नाम के लड़के के साथ रेस होने वाली थी और तभी वहां नोआ भी आ जाती है और रेस स्टार्ट हो जाती है पर निक का पूरा ध्यान सिर्फ नोआ पर ही था लेकिन फिर भी निक रेस जीत जाता है और नोआ भी पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी नोआ के पास एक मैसेज आता है और जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर नोआ को चीट कर रहे हैं और उस मैसेज में उन दोनों की किस करते हुए पिक्चर भी थी जिसे देखकर नोआ को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक करने लगती है और पार्टी में से एक लड़के को पकड़कर उसके साथ किस करने लगती है और किस करने के दौरान वह उसके साथ एक पिक्चर भी क्लिक करना चाहती थी जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर सके। और ये सब करते हुए निक देख लेता है और वो पहले तो उस लड़के को वहां से भगाता है और फिर नोआ को घर जाने के लिए कहता है। तो नोआ निक को अपने बॉयफ्रेंड की सारी बात बताती है तो इसके बाद निक कहता है कि नोआ उसके साथ किस करके एक फोटो क्लिक कर सकती है और ये फोटो वह अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर सकती है और इसके बाद ही वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं। और अब अपने सौतेले भाई निक के साथ किस करना नोआ को भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो पिक्चर क्लिक करके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। अब इसके बाद निक नोआ से कहता है कि वो कार में ही रुके, जेनी उसे घर छोड़ देगी और इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तो दोस्तों अब नोआ को किस करने के बाद निक का भी मूड रोमांटिक हो गया था तो वो एक लड़की एनी के पास जाता है और उसके साथ गाड़ी में इंटीमेट होने लगता है। और दूसरी तरफ कार रेसिंग का नेक्स्ट राउंड होने वाला था और ये राउंड भी निक को ही करना था लेकिन इस वक्त निक मजे करने में बिजी था। तो दोस्तों अब ये रेस निक की जगह नोआ को ही पूरी करनी थी तो अब नोआ ही उस राउंड में रेस करने वाली थी क्योंकि दोस्तों नोआ के पापा भी कार रेस करते थे जिनसे नोआ ने कार रेसिंग सीखी थी।
तो यह रेस अब नोवा करती है और रेस जीत जाती है। पर रूल के अनुसार ये रेस निक को जीतना था, तो निक अपनी स्टेप सिस्टर की वजह से अपनी शर्त हार जाता है, जिससे वो अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार भी हार जाता है, जो कि उसे रोनी को देनी पड़ती है। तभी नोवा रोनी से कहती है कि वो एक लड़की से रेस हार गया है, और ये सुनते ही रोनी नोवा को गालियां देने लगता है, और रोनी को ऐसा करने पर निक रोनी से फाइट करने लगता है, और फिर दोनों ग्रुप के बीच जबरदस्त फाइट होती है। और नोवा इस फाइट में बेहद डर जाती है, क्योंकि उसे मारपीट से डर लगता था। और फिर नोवा को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है, जब नोवा का पिता नोवा की माँ को मारता था। अब इसके बाद निक नोवा को उन लोगों के बीच से निकाल लेता है, और निक और उसके दोस्त नोवा को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तो पीछे से रोनी नोवा को मारने की धमकी देता है, और रास्ते में निक नोवा की चोट पर पट्टी बांधता है, क्योंकि नोवा को उस फाइट में चोट लगी थी। इसके बाद का सीन बदलता है, हम देखते हैं कि नोवा की फैमिली को एक पार्टी में जाना था, तो वो तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। पर इस पार्टी में निक उनके साथ नहीं आता है, क्योंकि निक अपनी छोटी सिस्टर मेडी से मिलने गया था। और इसके बाद जब नोवा पार्टी से घर आकर टीवी पर रेसिंग वीडियो देख रही थी, तभी वहां निक भी आ जाता है। तो वो दोनों टीवी पर कार रेसिंग में से एक खतरनाक मूव देखते हैं, जिसके बारे में नोवा निक को बताती है कि ये कैसे किया जा सकता है। इसके बाद दोनों बात करते हुए पास आने लगते हैं, और दोनों एक बार फिर से किस करने लगते हैं। और किस करते हुए निक कहता है कि वो नोवा को देखते ही पागल होने लगता है, यानी कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी वहां पर नोवा की माँ आ जाती है, और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह नोवा अपनी कार वॉश कर रही थी, और उसे निक भी देख रहा था कि तभी वहां नोवा की माँ नोवा की बॉयफ्रेंड डेन के साथ वहां आ जाती है। अब डेन नोवा को किस करता है, जो निक देख रहा था। पर निक के सामने नोवा को यह करना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि नोवा भी अपने स्टेप ब्रदर निक को लाइक करने लगी थी, और निक भी नोवा को लाइक करने लगा था। तभी नोवा निक के पास जाती है, तो वहां डेन भी आ जाता है, पर नोवा निक को पुल में गिरा देती है, क्योंकि निक के साथ किस करने वाली पिक्चर नोवा ने अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी थी। और तभी निक नोवा को भी पुल में खींच लेता है, और दोनों पानी में ही रोमांस करने लगते हैं। और इसके बाद नोवा की माँ उसे आवाज देती है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने नोवा को फूल भेजे थे, जिनमें एक धमकी भरा लेटर भी था। तो नोवा को लगता है कि यह सब डेन ने ही किया है, तो वह डेन पर गुस्सा करती है। और इसके आगे के सीन में हम रोनी के साथ एक आदमी को देखते हैं, जो रोनी से कहता है कि उसे अब अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। और तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर रोनी को देखते हैं, जो निक को गालियां देता है और नोवा के बारे में भी गलत बोलता है। और इस बात पर दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें निक को चोट लग जाती है। अब निक जब घर आता है, तो वो देखता है कि नोवा का बॉयफ्रेंड डेन नोवा के रूम में जा रहा था, और इस बात का निक को बुरा लगता है। तो वह घर में नीचे पूल के पास आ जाता है, जहां वो देखता है कि नोवा वहीं सो रही थी। तो नोवा के पास जाता है, और रोमांटिक मूड से नोवा को छूने लगता है, कि अचानक ही नोवा जाग जाती है और अपने स्टेप ब्रदर निक को हिट करती है, क्योंकि उसे लगा कि यह उसका बॉयफ्रेंड डेन है। पर जब वो निक को देखती है, तो निक को चोट लगी थी, खून भी निकल रहा था। तो अब नोवा निक की चोट को साफ करने लगती है, और तभी निक भी रोमांटिक हो जाता है, और दोनों किस करने लगते हैं। और तभी उस जगह पर डेन भी आ जाता है, और दोनों को रोमांस करते देख लेता है। पर नोवा डेन से कहती है कि वह ये बात किसी को भी न बताए, और इसके बाद डेन वहां से चला जाता है। और जब सुबह नोवा उठती है, तो उसे पता चलता है कि डेन वहां से जा चुका है, पर उसने किसी को भी नोवा और निक के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था। तभी वहां निक भी आ जाता है, जिसके चोट लगी थी। तो निक के पापा चोट के बारे में पूछते हैं, तो निक झूठ बोल देता है कि वह गिर गया था। अब इसके बाद नोवा के पास एक लेटर आया था, जिस पर नोवा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और ऐसे लेटर नोवा के पहले भी आए थे, पर नोवा को ऐसा लगा कि यह लेटर उसका बॉयफ्रेंड डेन भेज रहा था। पर अब तो डेन के साथ भी सब क्लियर हो गया था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो नोवा को ऐसे लेटर भेज रहा था? तो ये जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। आगे हम देखते हैं कि निक और नोवा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां नोवा निक को एक टॉय कार गिफ्ट करती है, और कहती है कि वो तो उसे एक पोएट्री की किताब गिफ्ट करने वाली थी, पर तुम्हें कहां पोएट्री समझ आएगी। और इस बात पर निक रोमांटिक हो जाता है, और नोवा के पास जाकर उसको किस करते हुए मस्ती करने लगता है, कि तभी वहां निक के दोस्त आ जाते हैं, और उनको देखकर निक और नोवा अलग हो जाते हैं। तो निक का दोस्त निक से कहता है कि अपनी सारी ताकत यहां लगा देगा, तो फाइट में क्या करेगा। दरअसल निक यहां फाइट करने आया था, तो नोवा निक को फाइट करने से मना कर देती है। पर जब निक उसकी बात नहीं मानता, तो नोवा निक को फाइट करते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि नोवा को मारपीट से डर लगता था। बचपन में जब उसके पापा उसकी माँ को मारा करते थे, तो नोवा के अंदर मारपीट का डर बैठ गया था। तो इन सभी बातों से नोवा वहां से जाने लगती है, और इसके पीछे पीछे माइक भी आ जाता है, और नोवा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर नोवा माइक की बातों से इम्प्रेस होकर उसे किस करने लगती है, और तभी वहां पर निक आ जाता
करता है और माइक को हिट करता है और नोआ को दूर रहने के लिए कहता है और नोआ से कहता है कि वह नोआ को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगर कोई लड़का नोआ के पास भी आता है तो निक को बेहद गुस्सा आता है, पर नोआ निक के गुस्से से डर गई थी। उसे लगा जैसे निक मारपीट करता है तो वह गुस्से में नोआ को भी मार सकता है और निक को अपने आप से दूर रहने को कहती है। और उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, पर एक दूसरे से दूर होकर दोनों का ही मन नहीं लग रहा था। दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर एक दूसरे को मिस कर रहे थे। इसके आगे हम देखते हैं कि एक दिन निक के पापा मिस्टर बिल निक से नोआ व उसकी माँ के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि नोआ का पिता नोआ की माँ को बेहद मारता था और उससे परेशान होकर नोआ की माँ ने उस पर केस कर दिया और नोआ की गवाही की वजह से उसके पिता को जेल हो गई। पर अब वो जेल से छूट गया है तो अब नोआ की जान को खतरा हो सकता है और निक से कहते हैं कि अपनी स्टेप सिस्टर नोआ का ध्यान अब उसे ही रखना होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि नोआ और जेनी पार्टी कर रहे हैं जहां नोआ ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो जेनी अपनी हेल्प के लिए निक को कॉल लगाती है और दोनों उस पार्टी से बाहर निकलती है। और तभी बाहर गाड़ी में नोआ का पिता नोआ का ही वेट कर रहा था कि कब नोआ बाहर आए और वह कब उस पर अटैक करे। तभी दोस्तों नोआ को बाहर आता देख उसका बाप गाड़ी से बाहर निकलता ही है कि अचानक ही वहाँ निक आ जाता है। तो नोआ कहती है कि वो अपना जैकेट अंदर भूल गई है और नोआ जब जैकेट लेने अंदर जाती है तो निक की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि नोआ से जलती थी वो नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है। तो नोआ को अंधेरे से डर लगता था तो उसके सामने विजन आने लगते हैं जब उसका बाप ही उसे अलमारी में बंद कर दिया करता था। तो नोआ बेहद डर जाती है, लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और नोआ को अपने साथ घर ले जाता है और नोआ के कपड़े चेंज कर उसे रूम में सुलाकर जाने है। तो नोआ उसे अपने पास ही रुकने को कहती है क्योंकि वो उस टाइम बेहद ही अकेला फील कर रही थी। तो निक अपनी स्टेप सिस्टर नोआ के साथ उसी बिस्तर पर सो जाता है। तो नोआ निक से कहती है कि तुम तो कहते हो कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आज कैसे कंट्रोल कर लिया। तो इस बात पर निक नोआ से कहता है कि जब तक तुम्हारे अंदर से मेरे लिए डर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। और दोनों भाई बहन उस रात साथ ही सो जाते हैं। और सुबह जब निक के पापा मिस्टर विल जब रूम में आते हैं तो वो दोनों भाई बहन को बिना कपड़ों के देख लेते हैं, पर उस टाइम वो उन्हें कुछ नहीं कहते और निक से कहते हैं कि निक की छोटी बहन मेडी की तबीयत खराब है। तो निक व नोआ मेडी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं जहां नोआ निक को मेडी के साथ बातें करते हुए देख रही थी। तो नोआ को पता चलता है कि निक दिल का बहुत अच्छा इंसान है और वो निक की बातों से इम्प्रेस हो जाती है। अब आगे जब दोनों वापस आ रहे थे तो बात करते हैं कि अब उन दोनों को और साथ नहीं रहने दिया जाएगा क्योंकि मिस्टर विल ने उन दोनों को साथ में बिना कपड़ों के देख लिया था। तभी निक रास्ते में ही गाड़ी रोक लेता है और वो दोनों अब किस करने लगते हैं और दोनों पास आने लगते हैं और फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों खूब मस्ती करते हैं। दोनों ने पूरी रात मस्ती करते हुए निकाल दी। तो सुबह नोआ कहती है कि उसे एक बार फिर से इंटीमेट होना है। तो निक इस बात पर कहता है कि उसके सारे कोंडोम खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद वो दोनों एक स्टोर पर जाते हैं जहाँ निक कोंडोम लेने चला जाता है और निक जब वापस आता है तो देखता है कि नोआ गाड़ी में नहीं थी। तो अब सीसीटीवी फोटोज से पता चलता है कि रोनी ने नोआ को किडनैप कर लिया है क्योंकि वो किडनैप करने निक की स्पोर्ट्स कार लेकर आया था। और जब हम नोआ को देखते हैं जहाँ उसे बांध रखा था तो दोस्तों हमें पता चलता है कि नोआ को किडनैप करवाने वाला नोआ का ही बाप था। और दोस्तों जो लेटर्स नोआ के पास आया करते थे वो भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि नोआ का ही बाप था। और तभी नोआ की माँ के पास कॉल आता है जो नोआ के बाप जोनी का था, जो नोआ को छोड़ने के बदले $1,00,000 की मांग करता है और उन्हें एक लोकेशन बताता है जहाँ उन्हें पैसे लेकर आना था। अब मिस्टर बिल और नोआ की माँ उस लोकेशन पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं और निक भी वहाँ अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था। तभी निक को आइडिया आता है कि उसकी कार में ट्रैकर लगा था जिसकी वजह से वो उस कार की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। तो नोआ का पिता नोआ को गन पॉइंट कर उसे कार ड्राइव करवाता है और अब नोआ और उसका बाप कार रेसिंग में चैंपियन थे तो पुलिस वाले उसे चेस नहीं कर पा रहे थे। तभी नोआ कार को बीच पर ले जाती है और वहां नोआ व निक दोनों की कार आमने सामने थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कारें आपस में टकरा जाएगी। और तभी नोआ और निक हैंड ब्रेक लगाकर खतरनाक मूव करते हैं जो नोआ ने वीडियो में देखा था और निक को भी सिखाया था। और दोनों के ऐसा करते ही पुलिस ऑफिसर नोआ के पिता को गोली मार देते हैं और इन सब से नोआ बच जाती है और इस बात से सभी बेहद खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि नोआ और निक को पास आने से मना किया गया था पर फिर भी निक नोआ के रूम में जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और दोस्तों इसी इंटीमेट सीन के साथ एक स्टेप ब्रदर सिस्टर की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी, मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।